हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल केक, जो कि चॉकलेट नहीं पड़ा है लेकिन फिर भी चॉकलेट फ्लेवर लगेगा ये, और बहुत ही इजी तरीके से दिखाया है इसे मैंने। हार्ट शेप में बनाया है ये, बहुत ही इजी तरीके से देखिए इस कंटेनर में मैंने बनाया है। आइए चलिए बनाने की रेसिपी दिखाते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस नॉर्मल बाउल से ही मेजरमेंट किया है सारा। सबसे पहले मैंने एक छन्ने में 1 बाउल मैदा लिया है, जो कि 250 ग्राम है। अगर वेट में देखेंगे तो 250 ग्राम मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है इस छन्ने से। और ये छानने के बाद सबसे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना भूलें ना, ताकि मुझे और भी हौसला मिले और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको डाल सकें। ये देखिए मैंने शक्कर लिया है, 1 बाउल ये शक्कर है, इसे मैंने पीस लिया है। पीस कर अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी शक्कर इसके अंदर पीस नहीं पाया होगा, ये देखिए बहुत सारे शक्कर पीस नहीं पाए हैं, ये हम इसे हटा सकें। इसे इसमें नहीं डालना है वरना इससे केक हमारा ख़राब हो सकता है, लम्स आ सकता है केक में। और ये देखिए छन चुका है। ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 कप दूध ले रखा है, और ये 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसे भी छान लिया इसके अंदर। अब 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है ये बेकिंग सोडा, इसे भी हम इसमें छान लेंगे। सभी चीज़ों को छान के ही लीजिएगा वरना इसमें छोटे छोटे जो लम्स बने होते हैं उससे दिक्कत आ सकती है केक बनाने में, इसलिए छानना ज़रूरी है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आप सारे इंग्रेडिएंट्स को। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, और जो भी कुछ नई रेसिपी आपको चाहिए आप उसे भी हमसे डिमांड कर सकती हैं। ये देखिए मैंने दूध को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मुझे एक इसका घोल तैयार कर लेना है। इसी में हम वेनिला एसेंस डालेंगे, ये वेनिला एसेंस है, 3 से 4 बूंद मुझे वेनिला एसेंस डालना है। आप किसी दूसरी फ्लेवर का भी ले सकती हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या फिर चॉकलेट फ्लेवर का। मैंने वेनिला एसेंस लिया है, और ये फूड कलर है, रेड फूड कलर इसका मैंने इसमें यूज़ किया है। कलर आएगा लेकिन ये कलर लास्ट में जाके बिल्कुल चॉकलेट कलर की तरह हो जाएगा। ये हम सिंपल तरीके से बनाना दिखा रहे हैं। ये देखिए मैंने 1 टीस्पून इसमें लिया है कलर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप फेंट करके। बस 1 से 2 मिनट फेंटने के बाद इसे इस कंटेनर के अंदर हम सेट करेंगे। सबसे पहले मुझे इसमें घी ग्रेस करना है। ये पूरे कंटेनर में हमने इस तरह से लगा दिया है अच्छी तरीके से। जब अच्छे से घी लग जाए तब हमें 1 टीस्पून इसके अंदर मैदा स्प्रिंकल करना है, और पूरे में अच्छे से कोट कर लेना है इस मैदे को। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा मैदा निकले आप उसे बाहर कर लीजिएगा, अच्छे से पूरे में कोट कर लें। और ये देखिए कोट हो गया है। अब इसके अंदर मुझे वो जो बैटर तैयार करके रखा है मैंने, इस बैटर को हम उसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आप डालिएगा वरना नीचे जाके बैठ जाता है शक्कर। सारा ये घोल मैंने इसके अंदर सेट कर लिया है। हल्का सा सेट करने के बाद आप टैप कर ले ताकि कोई भी कोना खाली ना रहे। और ये देखने में कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पिंकी पिंकी केक लग रहा है, वाव। और ये ऐसा एक तवा है बड़ा सा मेरे पास, इसके ऊपर मैंने स्टैंड रखा है इस तरह से। अब इसी के ऊपर ये जो हार्ट शेप वाला बाउल है इसको हम सेट कर देंगे इस तरह से, और एक बड़े से बर्तन से हम इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से भाप आ सके। इसे बनाने में करीब देखिए, जैसे ही मैंने तवे पे रखा इसका कलर चेंज हो गया है, और इस तरह से हम इसे ढक देंगे। मेरे पास ये बड़ा बर्तन था, इसे मैंने ढक दिया है, और करीब 20 से 30 मिनट तक के मुझे कवर करके इसे छोड़ देना है। अब ये करीब इतनी देर में ये मेरा केक बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और ये देखिए करीब 30 मिनट हो गया है। 30 मिनट के बाद अब हम इसे खोल के देखेंगे टूथपिक से चेक करके कि ये केक मेरा हो चुका है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल साफ निकला है।
अच्छे से। अब हमें इसे कंटेनर से निकाल लेना है। ये देखिए हल्का सा टैप करने पे ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और इसे बिल्कुल नाइफ से मुझे किनारे में कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए कितने अच्छे से निकल गया, और ये देखिए बिना चॉकलेट डाले बिल्कुल चॉकलेट केक की तरह बन के निकला है, कितनी ईजी तरीके से। इसे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया है, आप चाहें तो इसे क्रीम से भी कर सकती हैं, व्हीप क्रीम से बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन मुझे सिंपल ही इसे दिखाना था इसलिए मैंने इसे इस तरह से डेकोरेट किया है। अब आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, बाय।